हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देवंती ऑफिशियल। जैसा कि आज जन्माष्टमी है तो आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं पूजा तो करती हूँ नहीं, लेकिन मैं पूजा कैसे होता है जन्माष्टमी का हम लोग के यहाँ, वो मैं आप लोग को जरूर दिखाऊंगी। क्योंकि भाभी और दीदी लोग करने के लिए जाएगी तो मैं आप लोग को ब्लॉग में दिखाऊंगी, तो आप लोग कंटिन्यू रहिएगा। ये देखिए दीदी लोग, दीदी और मेरी भाभी अभी मंदिर को धोएगी, इसलिए पानी भर रही है। यहाँ पर हम लोग का चापाकल है। ये है हम लोग के गांव का मंदिर, यहीं पर जन्माष्टमी का यहीं पर हम लोग का पूजा होता है, यहीं पर होगा। अभी साफ सफाई हो रहा है। पूजा का वीडियो आप लोगों को अच्छा से नहीं दिखा पाई, क्योंकि उस टाइम मेरा कुछ पार्सल आ गया था, तो उसी का पार्सल लेने के चक्कर में हम वीडियो पूजा का नहीं कर पाए, तो आप लोगों को पूजा ठीक से नहीं दिखा पाए। फिर भी थोड़ा बहुत पूजा कर लिए हैं, तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा हम लोग का पूजा था। हम लोग तो यहाँ पर ऐसे ही पूजा करते हैं। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग यहाँ जन्माष्टमी का पूजा कैसा होता है। और अभी हम बना रहे शरबत दीदी और भाभी लोग के लिए। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स भी कर दीजिएगा। और अभी हम बना रहे शरबत, किसको किसको पीना है कमेंट्स कर दीजिएगा। और एक थोड़ा नींबू डालेंगे, ज्यादा खट्टा बनेगा। शरबत बन चुका है, फटाफट कमेंट्स कीजिए किसको किसको पीना है। आनू नूनी छकनिया कमेंट्स में ही शरबत मिलेगा।
जो कमेंट करेगा उसको शरबत मिलेगा। लीजिए भाभी जी, भाभी जी के तरफ से धन्यवाद आ चुका है, आप दीदी को देंगे। दीदी के लिए बड़ा गिलास है, वो आप लोग दीदी को देखेगा तो पता चल जाएगा कि उनको बड़ा गिलास क्यों दे रहे हैं। हम अपना ना पीते हैं। और आयुष बेटा भी आ चुका है कैमरा के पास। आओ इधर आओ बाबू, इधर बैठो। आप मीठा नहीं लग रहा? ये बहुत ज्यादा फ्री फायर खेलता है, पबजी पहले खेलता था, पबजी बैन होने की वजह से अब फ्री फायर खेलता है ना। फ्री फायर के बारे में कुछ बताएगा? चलो बताओ, फ्री फायर कैसा लगता है खेलने में? इसको अच्छा लगता है फ्री फायर? किसको किसको फ्री फायर अच्छा लगता है वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और फिर बता दो क्या क्या बंदूक से लिया जाता है फ्री फायर में। ये हम लोग का है चीनी का डब्बा, ये हम लोग इसी से नींबू खाते हुए अच्छा से पी गए। हाँ थोड़ा सा शरबत बचा हुआ है, नहीं एक लोटा बचा हुआ है। मीठा नहीं लग रहा है, कैसे बनाई है शरबत? हम पहले ज्यादा चीनी दिए थे, भाभी ही आके बोली कि क्या बोलते हैं आरो को नेमो दी, ज्यादा खट्टा खरा पसंद है। नींबू ना था कैसे अच्छा लगता था, मीठो तो रहता ना स्वाद लगता। भाभी जी पहले बोली कि दो ठो नींबू डालो, हम कितना सारा नींबू डाल दिए देखिए, और आप बोल रही है कि मीठा नहीं लग रहा। जितना नींबू डालिए और एक गिलास लीजिए, उसमें मीठा डाल रहे हैं। सेवा कर रही है, शरबत पिला रही है। हाँ ऐसे ही भाभी फिर हम लोग को कर्मा में भी पिलाएगी, हम पिला रहे जन्माष्टमी में, क्योंकि इसके बाद है कर्मा जो कि हम करते हैं। कर्मा शरबत ले लो, शरबत चाय पिया। अब इन लोग कैमरे के सामने बोल दिए कि चाय पिलाओ देवंती, अब पिलाना पड़ेगा। चाय बनाते टाइम वीडियो नहीं ले पाएंगे क्योंकि हम चाय बनाएंगे नहीं, तो पिलाते टाइम हम ही देंगे। तो चाय बनाएगी नहीं लेकिन पिएगी जरूर। हाँ चाय हम बहुत अच्छा बनाते हैं, वो आज हम ब्लॉग में भी दिखाएंगे। और चलो मेरा चाय का ब्लॉग भी बन जाएगा तो आप लोग देखिए। चाय बोले चाय बोले चाय चाय, इतना शरबत पिला दिए फिर भी मांग रही चाय, कैसी है? लोग पूजा ही करती है चाय और शरबत पीने के लिए। तो यहाँ नारियल लड्डू बन रहा है, यहाँ नारियल लड्डू बन रहा है, देखो यहाँ नारियल लड्डू बन रहा है, नारियल का लड्डू इन लोग बना रही है। ले लेते हैं चाय पत्ती, ले लिए ये चाय पत्ती का डब्बा, अगला बार हम शेरशाह का डब्बा ले लिए थे। तिया रीता ले चाय बनो, जो अपनी घर में मीटर वाले डाला कर दूध फ्रिज में हो ना। अब चले हम चाय बनाने के लिए। अब रीता कुमारी ये पानी से चाय पी लो, अभी मम्मी चूल्हा जलाई हुई है तो जाएंगे हीटर में चूल्हा चाय बनाएंगे। दूध और पानी डाल चुके हैं, अब डालेंगे इसमें थोड़ा। हीटर में हमको डर लगता है इसीलिए सब पहले कर लिए, उसके बाद वीडियो स्टार्ट किए हैं। अब डाल दें चाय पत्ती, देखते हैं कैसा बनता है चाय। बाबू बोतल ला पहले, बाबू बोतल बोतल। ऐसे तो चाय हम अच्छा बनाते हैं लेकिन ब्लॉग बना रहे हैं तो थोड़ा नर्वस हो जा रहे हैं। चार बार में चाय पत्ती डाले हैं, चीनी को भी डाल देते हैं, बहुत हम लोग को मीठा पीने का शौक है ना, तो अच्छा से हम लोग को मीठा बना के पिलाएंगे। ये चीनी और चीनी चापते रख के आते हैं, ये है दूध इसको फ्रिज में रख के आते हैं। चाय उबलने के लिए दे दिए हैं, चाय उबलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक ले हम हमेशा चाय बनाते टाइम अपना वीडियो देखते हैं।
का वीडियो से मेरा अच्छा मेरा रील्स मेरा यूट्यूब वीडियो वही सब हम देखते हैं जब चाय बनाते हैं उस टाइम, इससे अच्छा टाइम पास हो जाता है। तो आप लोग को भी टाइम मिले तो मेरा वीडियो ही देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए हम अपना बहुत बड़ा फैन है और किसी का नहीं, अपना ही वीडियो देखते रहते हैं, इससे व्यूज भी मिल जाता है हमको और टाइम भी अच्छा पास होता है। बोले ना इसीलिए ठीक है ना। अब ये देखिए चाय में उबाल आ चुका है, अब इसको बंद कर देते हैं और लेके जाएंगे। तो चाय हम बना के पीने के लिए देंगे अपना दीदी को। चाय कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मुंह दिखा के बोलिए। अच्छा लग रहा है चाय। अच्छा अच्छा फीडबैक मिल गया, आप लोग भी कमेंट करके अच्छा अच्छा कमेंट कर दीजिएगा। मेरे पापा भी उधर पी रहे हैं। बाबू चावा कैसा है? नो बोल रहे हैं ठीक ही हो, तब तो ठीक ही होगा। और अभी के लिए बाय बाय।